रायग्राम में चाय बनाते समय सिलेंडर के गैस रिसाव से पाइप में लगी आग, चार लोग झुलसे, एजेंसी संचालक पर गंभीर आरोप। रायबरेली में लीकेज सिलेंडर से रिस रही गैस से चाय बनाते समय पाइप में आग लग गई, जिसे एक के बाद एक दूसरे सिलेंडर की पाइप भी आग लगने से एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए। झुलसे पीड़ितों ने रायग्राम में स्थित गैस वितरण कंपनी के संचालक स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया। घटना दिनांक 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को समय करीब 10 बजे रायबरेली जिले के मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रई ग्राम स्थित बबलू वैश्य के घर में चाय बनाते समय सिलेंडर से हो रहे गैस रिसाव के चलते पाइप में आग लग गई। इसकी वजह से दूसरे सिलेंडर की पाइप में आग लग गई। आग लगने की घटना को बुझाने के दौरान पति पत्नी, एक भाई और एक बच्चा झुलस गया। घटना में झुलसे चार लोगों को इलाज के लिए रायबरेली के जिला अस्पताल लेकर गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति नॉर्मल देखते हुए डॉक्टर ने झुलसे हुए लोगों को घर भेज दिया। इस आग की घटना में झुलसे पीड़ित बबलू वैष्णव ओमी इंडियन गैस सर्विस एजेंसी के संचालक स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ितों ने बताया, यहां पर लगभग सभी सिलेंडरों में गैस निकाली जाती है, जिसकी वजह से आए दिन सिलेंडर लीकेज की समस्या आती है और यह घटनाएँ हो रही हैं। ग्राम प्रधान अमन जायसवाल ने बताया कि मामले की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी गई है। मौके पर पहुंचे गैस एजेंसी के लोगों द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ग्राम प्रधान की माने तो इसी कंपनी के सिलेंडर से यह दूसरी घटना हो चुकी है। क्या नाम है? बबलू साहू। कहाँ रहते हैं? राही। क्या हुआ है? अरे आग लग गई है, सिलेंडर लीकेज था। हाँ। बचाने गए, हम भी जल गए, भाई भी हमारे जल गए। अच्छा। और जो है किसी तरह जो है हम बाहर निकाल के जो है सिलेंडर लेके आए, जो इसी वजह से पूरा जो है हाथ में पैर में भी जो है पूरा नुकसान भी जो है, सिलेंडर और कपड़ा भी हमारे जल गए, पैसे भी रखे थे इसमें जो पैसे भी जल गए, वो मैडम के जो उनकी साड़ी भर गई, बच्चा हमारा जो चोट खा वो भी जल गया, जो बड़ी दिक्कत। कितने लोग झुलसे हैं जी? कितने लोग झुलसे हैं? तीन, वो चार लोग। चार लोग जी? चार लोग जो है पूरा जल गए। कहीं सूचना दिया जी? सूचना हमने प्रधान जी को किया, एजेंसी को किया। अच्छा। सबको हमने फोन कर दिया, एजेंसी वाले फोन नहीं उठाए, भैया उठाए ना, अंकित जो है उनको फोन किया, कहीं हम आ रहे हैं, अभी आए हैं तुरंत। दोनों सिलेंडर जो बढ़ने लगे, एक पे हम जो किसी तरह बोरोडा डाले काबू करें और दोबारा फिर उसमें पकड़ लिया। किसकी लापरवाही मानते हैं? जो हम तो सिलेंडर वाले सर, एजेंसी की लापरवाही है सर, इसमें जो चेक करके देते नहीं हो, जो है ना पाइप चेक करते ना रेगुलेटर, अभी जो 1236 रुपए दिए उसको जो है, तब जो बताया कि तुरंत आए इसका बीमा कराओ, ये वो सब पैसा हमने दिया, उसके बाद जो है ये सिलेंडर जो लीकेज था, ये सब एजेंसी की लापरवाही है भैया, अब एजेंसी की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा। अभी तो कहो बच्चे, हमारे बच्चे जो है इतना जो है।